हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं गुलुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पॉइंटर ट्रेमेकर। दोस्तों आज हम आपको 300 mm केबल ट्रे को कैसे बिना वेस्ट करते हुए पूरा ग्राउंड लेवल से मेजरमेंट के साथ 45-45 में 90 डिग्री कैसे बनाते वो समझाने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक। फ्रेंड्स ऐसा कंडीशन में आप जब वो मेजरमेंट लेने जाते हैं तो पहले ध्यान दीजिए चारों तरफ सेम सेम है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिया है 50 mm, यहाँ पर भी लिया है 50 mm, मतलब ट्रे का ये साइड एक मेजरमेंट लेना है और नीचे साइड और एक लेना है। तो ये साइड भी देख सकते हैं ऐसा वाला मैं भी ले लिया है। अगर आपका रूम सही नहीं है, एक साइड चौड़ा है एक साइड कम चौड़ा है, तो वो कंडीशन में आपको ये सेंटर का ट्रे टू ट्रे मेजरमेंट लेना है। ओके, ये भी 1200 है, ये 1200 है, जैसे मैंने लिया है इसमें। अभी पारी आता है ये कितना है वाल से, ये ट्रे कितना छोड़ रहा है। हमारा काम आज का है ये ट्रे से ये ट्रे को लिंक करना है और 45-45 डिग्री के साथ। ओके, तो ये मेजरमेंट पहले लिख लेते हैं कितना होता है। तो यहां पर देख सकते हैं मैं इसको लेता हूं 500 mm, इसको भी 500 mm। ये 500 से हम क्या करेंगे, ये वॉल का जो वाइड माइनस करेंगे। ओके, तो ये वॉल का वाइड माइनस करेंगे तो 50 mm माइनस हो गया, ये भी 50 mm माइनस हो गया, तो कितना होता है ये बचेगा और कितना 450 mm, 450 mm, ये भी बचा 450 mm, 450 mm। ओके, यहां से हमको 50 mm माइनस करना था 450। ओके, देख सकते हैं तो फ्रेंड्स हम जब मेजरमेंट करके बैंड को बनाएंगे तो दो तरह का फायदा होता है हमको। एक तो ये कट पीस ही फेंकना नहीं पड़ेगा, दूसरा ये बन जाने के बाद घुमा के कटिंग करना कितना दिक्कत है उससे मुक्त मिल जाएगा। ओके, तो इसको मेजरमेंट करके ये पहला वाला बैंड कितना है वो निकालेंगे। कैसे मेजरमेंट करते हैं, चलिए ट्रे का आउटसाइड से हमको ट्रे का एंड पोजिशन जिधर चाहिए वो था 450 mm। ओके, अभी क्या करना है उसको, ये जो ट्रे का चौड़ा जितना है वाइट ट्रे का, ये 300 mm हमको माइनस करना है। ओके, उसके बाद इधर 50 mm हमको माइनस करना है। ये 50 mm क्या है हम आपको आगे चल के बताएंगे, बाद में बचता है कितना 350 जाएगा तो, और 100 mm बचता है, तो ये हो गया हमको 100 mm। ओके, 450 से हम इधर बता देते हैं 450 माइनस 350 होता है 100। ओके, और ये जो 50 mm है हम ट्रे का ये जो है ये 72 mm रखेगा तो ये 50 mm बनेगा। ओके, तो पहला हमको निकल गया ये 100 mm, 100 mm हम कहां पर लगाते हैं देखिए। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर देख सकते हैं मैं फुल पीछे का केबल ट्रे ले लिया, उसके बाद इस तरह मार्किंग कर लिया। तो फर्स्ट 100 mm ले लेना है, उसके बाद 246 लेना है, उसके बाद 72 mm लेना है, उसके बाद 246 लेना है, उसके बाद 100 mm लेके यहां से कट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पहले से जब हमको मेजरमेंट पता लग जाएगा हम ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर वापस में मिलाने के बाद 764 mm होता है, तो हम 800 का एक छोटा पीस को कट करके ये भी बना सकते हैं।
उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार का फोल्ड कर दीजिए। फाइनल में केबल ट्रे में लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का वो दिखने वाला है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना। अगर आपका मन में कोई सवाल या सुलझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज्यादातर हम ट्रेड रैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और एकदम नए टेक्निक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।